हरिद्वार से मिले लावारिस बैग में पंजाब पुलिस की वर्दी, नाभा जेल ब्रेक से हो सकता है कोई कनेक्शन, सर्च ऑपरेशन जारी। नाभा जेल ब्रेक मामले में एक और गिरफ्तारी, परमिंदर की निशानदेही पर गुरप्रीत सिंह मांगेवाल को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। नाभा जेल ब्रेक मामले के मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह की नाभा मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, पुलिस को मिली 11 दिन की रिमांड। नाभा जेल ब्रेक मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, जेल अधीक्षक और हेड वार्डन पर कैदियों की मदद का आरोप। आतंकी हरमिंदर का खुलासा, एएसआई की मदद से पंजाब में फैलाना चाहता था आतंकवाद, केएलएफ को दोबारा सक्रिय करने की थी साजिश। नाभा जेल ब्रेक मामले को लेकर पानीपत पुलिस के चार कर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने का आरोप। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना पंजाब पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 15 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी कसी कमर, 12 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में एक बार फिर से बगावत, घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल, 48 घंटे में बदलने की मांग। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर लगाया सिखों की भावनाओं को आहत करने का आरोप, आरपी सिंह बोले भगवंत मान ने गुरुवाणी की एक तुक को गलत तरीके से पढ़ा। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, जमीन डी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब, 15 दिसंबर को अगली सुनवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक, स्वर्ण जयंती और गीता जयंती समारोह के कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। गुरुग्राम में हरियाणा स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड का आयोजन, कारोबार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया सम्मानित। नगरोटा हमले में शहीद हुए हवलदार सुखराज सिंह का आज गुरदासपुर में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने के लिए हुआ था नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला, मारे गए आतंकियों के पास से मिली पर्ची से हुआ खुलासा। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने लगाया बॉर्डर सुरंग का पता, इसी सुरंग के सहारे घुसे थे आतंकी, खबर मिलने के बाद सेना की कार्रवाई में मारे गए थे 3 आतंकी। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्षी दल कर सकते हैं हंगामा, नगरोटा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर कल लोकसभा में जमकर हुआ था हंगामा। नोटबंदी के बाद पहला सैलरी डे आज, बैंकों का दावा पूरे हैं इंतजाम, नहीं आने दी जाएगी लोगों को दिक्कत। समालखा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की 23,40,000 रुपए की करेंसी, 1,000 रुपए के पुराने नोट के अलावा नए 2,000 रुपए के नोट भी शामिल। आज हिमाचल प्रदेश में 3.3 रिक्टर स्केल पर आया भूकंप, कुल्लू था भूकंप का केंद्र। सर्दियों में सुलग रहे हैं हिमाचल के जंगल, शिमला कोट परिसर के पास मौजूद जंगलों में लगी आग, 5 हेक्टेयर एरिया जलकर राख। देश में घने कोहरे से रफ्तार पर लगी ब्रेक, हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, सर्दी ने दी दस्तक। मंगेतर हेजल कीच के साथ शादी के बंधन में बंधे युवराज सिंह, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में पंजाबी रिवाज से हुई शादी, 2 दिसंबर को गोवा में हिंदू रिवाज से लगे 7 फेरे। शादी से पहले युवराज के संगीत में पहुंची पूरी टीम इंडिया, विराट कोहली ने जमकर किया डांस।